फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे, जिसका नाम है वेंसी एंड आशु व्लॉग्स, और मेरा नाम है वंदना। तो दोस्तों, आज है बुधवार और तारीख है 24 अगस्त। तो अभी सुबह के अभी 7:30 बज रहे हैं। अभी मैं बस थोड़ी ही देर पहले सो के उठी हूँ, शायद 7 बजे करीब उठी थी। और फिर उसके बाद मैंने खिड़की वगैरह खोले, पर्दे वगैरह हटाए, और आज का यहाँ का मौसम बहुत ही अच्छा है। बिल्कुल भी गर्मी नहीं है अभी इस टाइम पे। नहीं तो डेली इतना होता था ना कि इस टाइम पे गर्मी लगने लग जाती थी, पसीना आने लग जाता था, लेकिन अभी आज ऐसा नहीं हो रहा, बहुत अच्छा मौसम है। तो मैं आ गई हूँ किचन में गर्म पानी करने के लिए। मैं सुबह उठ के, जैसे आपको पता है कि गर्म पानी पीती हूँ, तो अभी लेमन तो ख़त्म हो गया था, लेमन नहीं था तो मैंने उसमें बस हनी डाल दिया है। और अभी हस्बैंड भी उठ गए हैं टाइम से आज, तो फिर उनके लिए भी मैंने गरम पानी कर दिया है। तो अभी मैं उनको पानी देने जा रही हूँ और फिर उसके बाद मैं अपना बैठ के आराम से पानी पीऊँगी। तो बस सुबह का टाइम यही होता है कि ना, मतलब तुरंत उठ के ना तुरंत ऐसे काम नहीं किया जाता है। मतलब ये होता है कि थोड़ी देर बैठ जाओ, फिर पानी वानी पियो तो थोड़ा सा ठीक हो जाता है। तो बस वही है कि मैंने भी पानी वानी पी लिया है। उसके बाद से ये जो कपड़े थे ना, जो कि मैंने कल फैलाए हुए थे, तो मैंने इसको उठा लिया है। मतलब इसको मैं उठा के लेके जा रही हूँ, और अभी मुझे फिर से कपड़े फैलाने हैं, क्योंकि कल रात में ना मैंने और भी कपड़े लगाए हुए थे, तो कल रात में मैंने फैलाए नहीं। और फिर मैंने सोचा कि क्योंकि जो कपड़े भी फैले हुए थे ना, थोड़े थोड़े गीले थे, तो फिर इसलिए उसको हटाया नहीं। तो अभी मैं इसको जाके फैला दूंगी। तो उधर मैंने कपड़े भी फैला दिए सूखने के लिए। स्टैंड को अंदर ही रखा हुआ है, क्योंकि अभी बाहर ना बारिश का ही मौसम हो रहा है, तो फिर इसलिए बाहर नहीं रखा मैंने। और फिर मैं अब आ गई हूँ यहाँ पे चाय बनाने के लिए। तो मेरे सुबह का ही होता है ना कि मैं जब तक चाय नहीं पीती हूँ ना, तो मेरे दिन की शुरुआत होती ही नहीं है, अच्छा ही नहीं। मतलब कि बड़ी कुछ कमी कमी सी होती है इस तरह। बहुत अच्छी से उबाल आ गई है, चाय बन के तैयार है, और मैं चाय छान लेती हूँ, तो मैं इनको भी चाय दूंगी और फिर मैं भी आराम से बैठ के चाय पीऊँगी। जब एक बार चाय पी लो ना, तो उसके बाद फिर काम होता है। आइए दोस्तों, आप लोग भी चाय पी लीजिए साथ में बैठ के। तो यही होता है कि सुबह जब चाय अंदर जाती है ना शरीर के अंदर, तब जो फुर्ती वो निकल के आती है बाहर। तो मेरा भी ऐसी होता है कि सुबह जब तक मुझे चाय ना मिले ना, तो फिर मैं मतलब कुछ काम ही नहीं कर सकती हूँ, होता ही नहीं है मुझसे। तो वहाँ पे मैंने हस्बैंड जी को भी चाय दे दिया था, और इनको पता नहीं क्या हो गया था, और अपना उधर शायद चाय बहुत अच्छी बनी थी, तो चाय बोले चाय भी बहुत अच्छी बनी है, आगे मेरे ना फोरहेड पे किस किया, तो मुझे ना बड़ा अच्छा सा लगा। ऐसे कभी कभी ऐसे करते हैं ये। तो फिर मैं आ गई हूँ चाय पीने के बाद बेडरूम में, बेडरूम का क्लीन करने के लिए। अभी आज ये भी उठ गए थे, तो मेरे लिए अच्छा मौका था कि पहले मैं बेडरूम साफ़ कर लूँ, नहीं तो ये लेटे रहते हैं ना, तो फिर ये मुझे ये रूम मेरा छूट ही जाता है, फिर मुझे इसको बाद में करना पड़ता है। तो अभी बेडशीट वगैरह उतनी ख़राब नहीं थी, बस हल्का सा झाड़ के मैंने उसको ठीक कर दिया है, और ये रूम बस ठीक ही था, कुछ खास ख़राब नहीं था। क्योंकि कल मैंने ना बहुत अच्छे से, आपने मेरे कल का ब्लॉग देखा होगा, तो मैंने पूरे घर की ना बहुत अच्छे से कल क्लीनिंग किया था। तो ऐसा होता है ना, जब आप एक दिन अच्छी से डीप क्लीनिंग कर दो ना, 3-4 दिन तक घर तो साफ ही रहता है, बहुत ज़्यादा गंदा नहीं होता है, गंदा तो होता ही एक है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होता है। तो फिर वही मैंने बस बेडरूम साफ़ कर दिया, जो दूसरा रूम है वो एकदम साफ़ था। और फिर मैं यहाँ पे अब लगा लेती हूँ झाड़ू, तो पूरे घर में मैंने झाड़ू भी लगा लिया है, और यहाँ पे डस्टिंग कर लेती हूँ मैं इस टेबल को। बाकी जगह तो मैं डस्टिंग अभी नहीं करूँगी, क्योंकि साफ़ ही था, कल देखा था आपने पूरा, मैंने अच्छे से डस्टिंग किया था। तो बस ये डाइनिंग टेबल पर तो करना ही पड़ता है, मतलब डाइनिंग टेबल पर तो एक दिन में 2 बार तो करना ही करना पड़ता है, एक बार से काम नहीं चलता है। अभी कर लूँगी, और एक बार ना मतलब रात में कर लूँगी, क्योंकि फिर दिन में ना हम लोग उतना, मतलब मैं ही खाना खाती हूँ डाइनिंग टेबल पर, हस्बैंड तो कमरे में बैठ के खाते हैं, उन तो कमरे में पूरा चाय पानी नाश्ता उनका सब चलता है वहीं पे, मैं अपना टेबल पे बैठ के खाती हूँ। और तो यहाँ पे मैंने अब मैं लगा रही हूँ पोछा, फटाफट पोछा लग जाएगा तो मेरा जो सुबह का जो भी क्लीनिंग वाला जो मेरा काम है ये मेरा अब निपट जाएगा। और हस्बैंड जी उठ के भी पता नहीं यहाँ वहाँ कहाँ घूम रहे थे, मुझे उनका काम नहीं समझ में आ रहा था कि वो कर क्या रहे हैं, सुबह से उनका कुछ समझ नहीं आ रहा था मुझे। अभी घर का सारा काम मैंने निपटा दिया है, और अभी मैं जा रही हूँ नहाने के लिए, और यहाँ पे भी पता बारिश भी स्टार्ट हो गई, इतना अच्छा मौसम हो गया है, बहुत सुंदर मौसम हो गया है। तो मैं बस जाती हूँ फटाफट नहा के आती हूँ, फिर उसके बाद मैं करूँगी पूजा, फिर उसके बाद मैं ब्रेकफास्ट वगैरह जो है फिर मैं बनाऊँगी। तो मिलती हूँ थोड़ी देर में आपसे।
तो मैं यहाँ पे अब नहा के आ चुकी हूँ। आज मैंने हेयर वॉश भी कर लिया है क्योंकि मैंने ना संडे को किया था, उसके बाद मंडे ट्यूसडे दो दिन इधर हो गया था ना, तो पसीना भी आजकल बहुत ही हो रहा है। काम करो तो और ज़्यादा पसीना हो जा रहा है, तो बाल उसे बहुत झड़ने लगते हैं। तो इसलिए मैं ना अभी जैसे गर्मियों में या फिर बरसात के मौसम में हर दूसरे या मैक्सिमम तीसरे दिन पर तो मैं हेयर वॉश कर ही लेती हूँ। तो फिर आज मैंने हेयर वॉश कर लिया और अभी मैं लगा रही हूँ मॉइस्चराइज़र, जो एलोवेरा का मेरा मॉइस्चराइज़र है, मैं नॉर्मली वही लगाती हूँ, तो वो मैंने लगा लिया। उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ इधर पूजा करने के लिए, और हस्बैंड जी यहाँ वहाँ घूम रहे थे, उनका तो मुझे अभी भी नहीं समझ में आ रहा था कि वो कर ही क्या रहे थे। मैं यहाँ वहाँ काम कर रही हूँ, मैं अब जाके कैमरे में नोटिस कर रही हूँ कि मतलब यहाँ से जा रहे कभी वहाँ से जा रहे, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो कर क्या रहे थे। खैर तो पूजा मैंने कर लिया, फिर आ गया मैं किचन में नाश्ता बनाने के लिए। तो मैंने उनको बोला कि आप अभी ब्रेकफास्ट करोगे कि बाद में, उन्होंने बोला कि वो नहाने के बाद करेंगे, तो मैंने कहा ठीक है। तो फिर मैं अपने लिए जा रही हूँ, मतलब मैंने प्याज और वो अभी ना मैं नाश्ते में वो ऑमलेट बनाऊँगी आज, मैं सोचा कि ऑमलेट ही खा लेते हैं। तो अभी ना मैंने उसके लिए प्याज टमाटर और हरी मिर्च को मैंने काट दिया है, एक प्याज एक टमाटर पूरा काट दिया, तो मैंने आधा कर लिया, आधा मैंने अपने उसमें डाल दूँगी, आधा इनकी ऑमलेट में डाल दूँगी। तो उधर मैंने चाय भी रख दी है बनने के लिए, और इधर मैंने अपना ऑमलेट भी मैं बना रही हूँ। ऑमलेट बनने में तो सिर्फ 5 मिनट, मुश्किल से 2 मिनट लगता है अगर कटिंग नहीं करनी हो तो। यहाँ पे मैंने अपने लिए 3 अंडे का ऑमलेट बनाया है, तो 2 अंडे का जो पीला वाला वो निकाल दिया है, सिर्फ 1 अंडे का रखा है। तो वहाँ पे मैंने ब्रेकफास्ट भी कर लिया, फटाफट ब्रेकफास्ट भी हो गया आज, बहुत अच्छा लगा, अच्छा ब्रेकफास्ट करके और फिर एक बढ़िया सी चाय फिर से पी ली नहाने के बाद। अच्छा नहाने के बाद जो चाय मिलती है ना वो तो उसका अलग ही टेस्ट आता है ना, वो बहुत ही अच्छा लगता है पीने में, स्वाद वही रहता है लेकिन और भी अच्छा लगता है। तो फिर उसके बाद मैं उसके बाद बैठती तो हूँ नहीं, खाना पीना खाने के बाद मैं अपने काम में ही लग गई। और फिर इधर में जो कपड़े अभी मैं उठा के लाई थी ना, तो मैंने सोचा चलो उसको भी मैं फोल्ड कर दूँ लगे हाथ, नहीं तो फिर ये काम रह जाएगा तो फिर रह ही जाएगा, इसीलिए साथ ही साथ निपटा दो तो फिर सही रहता है। तो फिर इधर मैंने निपटा दिया है, और आज का ये मेरा सबसे बड़ा टास्क ये है कि ये मुझे ना जो चावल है, मुझे जो चावल इस ड्रम में रखा हुआ है ना, अच्छा ये जो एरिया है ना, ये आप समझ लो कि छोटा सा मेरा स्टोरेज एरिया है, क्योंकि इस घर में ना स्टोरेज रूम कहीं पर दिया नहीं है, तो फिर मुझे इसी रूम में इधर सब रखना पड़ता है। तो फिर ये देखिए चावल में कितना ज़्यादा घुन पड़ गया है, मैं यही आप लोगों को दिखा रही थी, ये बहुत ही काले काले जो दिख रहे हैं ना, ये सारे घुन है, तो मुझे ना इसी को आज साफ़ करना है, और नहीं तो फिर ये चावल एकदम ख़राब हो जाएंगे, फिर इसे स्मेल भी आने लग जाएगी, तो ये खाने के लायक बिल्कुल भी नहीं रहेगा। पहले तो मैं ये सोच रही थी ना कि पहले मैं धूप पर फैला दूँ और ताकि जो घुन है वो थोड़े बहुत निकल जाए, फिर मैं उसके बाद फटकूँ, लेकिन आज मौसम बहुत ख़राब हो गया, बारिश हो गई, तो अभी तो मैं धूप में डाल ही नहीं सकती हूँ। तो फिर ना मैंने सोचा कि चलो जो सूप, इसको हमारा सूप बोलते हैं, तो सूप से फटक के इसको जितना भी हो सकता है वो जो जो घुन है ना उतना निकाल दूँ, और इसमें जो वाइट वाइट वाले सुंडी होते हैं, मतलब हमारे यहाँ तो सुंडी बोलते हैं, जो वाइट वाइट वाले कीड़े होते हैं ना, तो वो भी पड़ गए थे छोटे छोटे, बिल्कुल अभी पड़ना ही शुरू हुए थे, तो वो भी पड़ गए थे। तो मुझे लगा अभी नहीं साफ करूँगी ना तो चावल ख़राब हो जाएगा और खाने के लायक बिल्कुल भी नहीं रहेगा। एक्चुअली मैं बहुत दिनों से सोच रही थी ना इसको साफ़ करने के लिए, लेकिन मौका नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि है तो ये बड़ा काम, अगर मैं इसको साफ़ नहीं करती ना तो ये बहुत बड़ा नुकसान भी हो जाता मेरा, और फिर अरे काम करना भी बहुत ज़रूरी था आज ही, मुझे ना काफ़ी दिन से सोच रही थी, लेकिन सोचा चलो आज तो मैं कर ही लेती हूँ। तो ब्रेकफास्ट वगैरह भी कर लिया था, इतना कुछ हैवी कुछ बनाना नहीं था ना, तो जल्दी से मेरा वो भी हो गया। तो अभी मैं इसको सारे चावल को ना फटक फटक के अच्छे से क्लीन कर करके ड्रम में रख दूंगी। अच्छा ये जब मैं फटक रही थी ना तो सारे तो नहीं निकल रहे थे घुन, हाँ लेकिन मतलब काफ़ी निकल गए थे, आप कह सकते हो कि 80% जो कीड़े हैं ना वो निकल गए थे, 20% था वो नहीं निकल रहा था, मैंने इतना फटका लेकिन वो नहीं, वो रह ही जा रहे थे कुछ ना कुछ। अगर धूप होती ना तो मैं धूप में फैला देती तो जो भी बचे खुचे वो भी निकल जाते। जो चावल में ना मतलब जो छोटे छोटे कीड़े ना मैं उसको भी निकाल दे रही थी, और कोई कोई पत्थर भी थे और एक दो धान भी थे ना, तो मैं उसको भी हाथ से ही निकाल दे रही थी।
तो यही होता है ना कि इतना सब कुछ मैनेज करना थोड़ा मुश्किल तो हो जाता है कि चावल भी साफ़ करना है, गेहूं भी साफ़ करना है, फिर उसको सुखाना है, पिसाने के लिए देना है। तो एक हाउसवाइफ के लिए ना मतलब ये सब मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बट ठीक है, करना भी तो हाउसवाइफ को है। अगर वो एक हाउसवाइफ घर नहीं संभालेगी तो फिर घर कैसे संभलेगा ना। तो ये सब चीज़ें ना तो मैं अपने मायके से ही मैंने सीखा था, क्योंकि मम्मी करती है ना, तो फिर मम्मी को देख देख के सीख लिया है। और फिर हमने भी किया है घर पे, ऐसा नहीं कि मायके में ये सब किया है। ये सब काम ना कभी कभी ज़िंदगी में काम आ ही जाता है। मतलब मैंने कभी सोचा नहीं था कि ये सब करना पड़ेगा, लेकिन अब देखिए अब करना पड़ रहा है। तो अब ऐसा दिन है कि करना पड़ रहा है, तो फिर आता है, इसीलिए तो कर रही हूँ। अगर नहीं आता तो फिर मैं कहाँ से कर पाती, ऐसे बैठे रहती और ये जो चावल है ये नुकसान हो जाता। तो बस अच्छी मम्मी को मैं थैंक यू बोलूँगी, मम्मी आपने मुझे सब सिखाया, आज सच में बहुत काम आ रहा है। तो और ये चावल है ना मैंने सब फटक के इस ड्रम में रख लिया है। बहुत ज़्यादा चावल नहीं था, मेरे ख्याल से ना 25-30 किलो चावल रहा होगा। तो इसको मैंने छोटे वाले डब्बे में भी रख लिया है, क्योंकि छोटे वाले डब्बे में ना चावल ख़त्म हो गया था। तो फिर अभी मैंने अब लेके जा रही हूँ वहीं पर जहाँ से मैंने रखा था, वहाँ पर मैंने एक बार ना नीचे झाड़ू उड़ू लगा दिया है। अब मैं इसको सेट कर दूँगी। अब जो ये जो बॉक्सेस आप देख रहे हैं ना, मतलब एक दो तो खाली थे, और किसी में बिजली का सामान रखा हुआ है, किसी में सिर्फ न्यूज़पेपर रखा हुआ है। तो मैं वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा।